अरे बेटा सो जा, रात के 11 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग के साथ। आज जैसे कि मैं क्या ही बताऊं आपको, परेशान कर रखा है युवान ने पूरी तरीके से। और ये इसकी दीदी भी आज आ चुकी है, ये भी गई हुई थी, नानी हाउस गई हुई थी। तो देखो यहाँ देखो दादू भी यहीं पर ही है, दादू भी यहीं पर ही, और ये देखो युवान भी यहीं पर ही है। तो जैसे की देख सकते हो पूरी नाक खा गए हैं, दादू की पूरी नाक खा गए। दादू से बहुत ज्यादा ही प्यार करता है ये। कल दादू जो है युवान के दादू कल जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए कहीं टूर में, शादी है तो इसी वजह से सिर्फ दादू जा रहे हैं। तो दादू को भी नींद नहीं आ रही है आज। बता दो तो पापा आप कल कहाँ जा रहे हो वैसे, बता दो। मसूरी जा रहा हूँ, देहरादून से आगे मसूरी देहरादून जा रहे हैं पापा। देखो बिल्कुल उदास है पापा, क्योंकि बहुत टाइम बाद आप मतलब फैमिली से दूर जा रहे हैं, करीब 4-5 दिन रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो देखो गाइस ये देखो यहीं पर ही उषा भी यहीं पर ही है, दूध पी रही है, ठीक है ना। इसको भी नींद नहीं आ रही है, उषा को भी। गाइस ये देखो ये आपसे हमारे जो नया हमारे सब्सक्राइबर यहीं बैठे हुए हैं, छोटे सब्सक्राइबर। ये देखो बदबू आती है, भैंस का दूध नहीं पीती है चाची। मैं तो बहुत पीती भैंस का दूध नहीं पीती है। देखो मैं क्या ही बताऊं, देखो रात के अभी अराउंड 11:30 बज चुके हैं। जैसे कि अब युवान जो है वो 10 बजे तक सो जाता है, पर आज ये सो ही नहीं रहा है। देखो इसकी आगे देखो, ये देखो ये देखो ये देखो खेलने की लगा हुआ, खेलने की। और दीदी की यहाँ पर देखो कैसे आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल ही गोदी में। देखो आज मतलब हिल नहीं रहा, नहीं तो कोई भी इसको गोदी में ले तो गाइस ये पता नहीं क्या हो जाता है, इससे उलट पुलट करके मतलब कि इधर उधर हो जाता है। दादी भी यहीं पर ही बैठी हुई है, युवान की दादी भी यहीं पर बैठी हुई है। तो गाइस देखो नींद ही नहीं आ रही किसी को आज, पता नहीं क्या हो गया। आज क्या ही दिन है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ही बोलूं। सुलानी को इस कर रहा पर युवान सो नहीं रहा है। ये देखो अब उषा को ही देख लो यहाँ पर, अभी उषा ही बताइए कुछ। परेशान सो ही नहीं रहा है। दादू को भी जगा के ले आया यहाँ पर कि आ जाओ मेरे साथ खेलो, बोल रहा है वो भी दादू को। दीदी को भी जगा के ले आया मुझे। दीदी तो भाई अब मैं क्या बताऊँ गाइस, देखो दीदी को भी खाने आ जाता है ये मतलब की हमारी माँ में बोलते खजुआ खजुआ खजुआ, मतलब जो इसको दिखता है खाने के लिए वो मिल जाता है। अब यहाँ देखो इसका खाने मेरे हिसाब से इसको अभी हमने अराउंड 8:30 बजे इसको खाना दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से इसको भूख लग रही है, पर इतना ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि नाइट में जो रहेगा कि मतलब कि पचाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। बच्चा है, छोटा सा बच्चा, इतना ज़्यादा हम देना नहीं चाहते इसे। तो अब फीडिंग वीडिंग करवाएगी उषा। अगर फीडिंग करवा के अगर ये सो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत खाना वाना हमें करना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा गाइस। अब तुम ही बोलो, अब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, बताओ अपने व्यूअर्स को। तो गाइस कमेंट करके बताएगी आप कैसे सुलाते अपने बच्चों को रात में, ठीक है ना। हमने तो पूरा ट्राई, हमें तो बहुत तंग कर रहा है, पूरा ट्राई हमने पूरा ट्राई। ऊ आप देख सकते हो दादी बोल भी रही है ऊ आ ऊ ई आ ई, यही चलता रहता है बस इसका रात भर, ऊ आ ऊ करते रहता है रात भर। खाने दे उसको, खा ले और डर जाएगा वो। ऐसे गंदे लड़के है, कोई गंदा लड़का है। ये कौन है आपका, बताओ कौन है? भाई है ना ये आपका, तो भाई को ऐसे करोगे? मेरे छोटा भाई, हम दोनों का भाई है ये, बाहुबली है ये, बाहुबली है। मेरे भाई को जो मारता है फांसी लगाता है। चलो देख सकते हैं गाइस आप सभी, देखो उषा ने बाबू के लिए खाना भी बना के लेकर आ गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, क्या पता आप ये खाना वाना खा के थोड़ा शांत हो जाए। देखो आप ये देखो किस तरीके से देख रहे हो, खाना खाने तक नहीं मान रहा है ये। पता नहीं आज क्या हो गया गाइस, समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना परेशान क्यों हो रहा है यार। थोड़ी देर पहले सो रखा था, फिर अचानक से उठ गया था, दादू आ गया था, थोड़ा उठ गया था मेरे ये। तो जब से ये उठा हुआ ये मतलब कि सो ही नहीं रहा है ये गाइस। बाबू 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 हाय क्या है, क्या कर रहे सो चुका है। हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने। रात के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं। युवान साथ सो गया है आराम से। दादा दादी भी जा चुके हैं, छोटे बच्चे भी जा चुके हैं। अब हम इसे उसके बेड में सुलाने जा रहे हैं। तो पापा कितना टाइम लगा आपको सुलाने में? आज गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बेबी बहुत ज़्यादा परेशान था, पता नहीं क्यों सोने नहीं मान रहा था, पर हमने जैसे तैसे बेबी को सुला दिया है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही था ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे फिर से अगले एक और नई वीडियो के साथ।